अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चाइनीज़ भेल। चाइनीज़ भेल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है आधा किलो चाइनीज़ भेल। आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक छोटी कटी हुई गोभी, और यहाँ मैंने लिया चाइनीज़ भेल की चटनी, और दो नींबू, एक कटा हुआ नींबू। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चाइनीज़ भेल की भेल। ऐड करेंगे अब इसमें थोड़ी, अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी गोभी। अब इसमें ऐड हम करेंगे थोड़ा चटनी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं इसे हाथ से मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। हमें इसमें चटनी की थोड़ी सी और तादाद लगेगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो अब हमारी चाइनीज़ भेल जो है वो सर्विंग के लिए तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। मेरी चाइनीज भेल रेडी हो चुकी है। अब अगर आपको इस पर थोड़ी सी चटनी सर्व करना हो तो आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो नहीं सर्व करते। मैं यहाँ पर चटनी डाल दी थोड़ी सी। अगर आप चाहे तो आप इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं। मुझे नींबू डालकर खाना पसंद है, मेरे घर वालों को भी नींबू डालकर खाना पसंद है, इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा नींबू। तो मैं इसमें नींबू ऐड कर रही हूँ अभी। इसके ऊपर देखेंगे केक किस तरह बना है। अब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे कि ये किस तरह बना है। तो बहुत ही अच्छा बना है माशाल्लाह। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।